दर्शकों नमस्कार, सटिया जल में आप सभी का स्वागत है। आज की हलचलों के साथ मैं आपके साथ हूँ धर्मेंद्र बज। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हलचलों पर। जिले के विभिन्न स्कूलों में मिल वाचे कार्यक्रम संपन्न। कलेक्टर राजेश जैन ने मातापुरा स्कूल में बच्चों के साथ किया परस्पर संवाद। बजरंगगढ़ मिडिल स्कूल में गुना विधायक पन्नालाल शाके ने और चाचोड़ा शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में विधायक ममता मीणा ने ली बच्चों की क्लास। पूछे बच्चों से सवाल। मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व जिला पुलिस ने किया पूर्वाभ्यास। कल मुख्यमंत्री के होने वाले कार्यक्रम के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए का पांडाल बनकर तैयार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समय से पूर्व मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के आदेश के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन। दिया प्रशासन को ज्ञापन। दिगंबर जैन समाज के 11 दिवसीय पर्यटन पर्व आज से शुरू। शहर के सभी जिनालयों में भक्तों की भारी भीड़। मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में शांति धारा के साथ संपन्न हुए पूजा और विधान। शाम को विभिन्न जिनालयों में होगी आरती और होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं। उकावर पतंजलि योग पीठ का 5 दिवसीय योग शिविर आज हुआ संपन्न। साधकों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम का कराया गया संपूर्ण अभ्यास। कलेक्टर प्रांगण में 51 गाय ने दिया बछड़े को जन्म। प्रसव के दौरान मालिकाना हक जताने पहुंचे 3-3 मालिक। शिक्षक की समस्याओं के निराकरण के लिए आदिवासी महिलाएं बैठी अनशन पर। शासकीय महाविद्यालय रावगढ़ में मनाई गई मदर टेरेसा जयंती। छात्र छात्राओं ने मदर टेरेसा के ऊपर व्यक्त किए अपने अपने विचार। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही म्याना वासियों की फिर जगी तहसील बनाने की आस। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ही नगर पंचायत का दिया था गुना आगमन पर दर्जा। समान वेतन और समान कार्य की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी यूनियन जनता यूनियन द्वारा कल आयोजित किया जाएगा गुना में कन्वेंशन। राघोगढ़ में आयोजित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक में जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने नवीन दायित्वों की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गुना आगमन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, कटिबद्ध है कि पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित हो। इसी तारतम्य में आज जिला पुलिस बल ने मॉक ड्रिल किया और इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन के समय जिस प्रकार की तैयारियां होती हैं उन सभी बातों को लेकर पूर्वाभ्यास किया। मंच से लेकर गाड़ियों पर किस प्रकार मंत्री जी का काफिला पहुंचेगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, इन सभी बातों को लेकर उस समय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये मॉक ड्रिल की गई। एक तरफ जहां मॉक ड्रिल की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए लाल परेड पर शानदार पांडाल, जैसा कि हमने कल भी आपको समझाया था, तैयार है। लगभग 1,27,00,000 से अधिक की लागत में यह पांडाल बनकर तैयार हुआ है और कल के कार्यक्रम के लिए इतना खर्चा इस पांडाल के लिए किया गया है। जिले के विभिन्न स्कूलों में आज मिलवाचे कार्यक्रम संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार पूरे प्रदेश भर में यह मिलवाचे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ लोग अपने अपने विचारों से छात्र छात्राओं को अवगत करा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज मातापुरा के शासकीय मिडिल स्कूल में गुना कलेक्टर राजेश जैन पहुंचे। उन्होंने वहां पर बच्चों के साथ संवाद किया, उनसे बातचीत की, उन्हें कुछ बातें समझाई और कई प्रश्न पूछकर उन्हें उनके प्रश्नों के सही उत्तर देने पर पुरस्कार भी दिया गया। तो एक बार की बात है, कार्तिक जी का वाहन क्या था बताओ? गणेश जी का वाहन चूहा। तो एक बार उनने कहा, भगवान ने, शंकर जी ने कहा कि भाई सबसे पहले पृथ्वी जी 3 परिक्रमा जो लगा के आएगा वो जीता माना जाएगा। उनने कहा एक परीक्षा लेते हैं, कार्तिक एक की और गणेश जी टेस्ट वाली बुक्स ये बैठो और आपको भी रामनाथ कोविंद किसने बताया था सही किसने? दूसरी तरफ गुना विधायक पन्नालाल शाके बजरंगल के शासकीय मिडिल स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों से संवाद किया और उनसे बातचीत करने के साथ ही साथ उन्हें कई सारी बातें सिखाई।
कौन कौन सी नौकरी जाना चाहते हैं, हाथ ऊंचा करो बताए। हाँ फैसला नहीं किस कर गए, हाँ क्या बंदा चाहता नौकरी में? पुलिस का हाँ, और बता और कौन आप शक्ति आप तुम क्या बोले ठीक एक नाम बोले हाँ बोल मिलवाचे कार्यक्रम के अंतर्गत ही चाचौड़ा में बीनागंज की कन्या मिडिल स्कूल में चाचौड़ा विधायक ममता मीणा पहुंची। वहां उन्होंने बच्चों की क्लास ली, छात्राओं से प्रश्न पूछे और सही प्रश्न देने वालों को उन्होंने पुरस्कार भी दिए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर किया गया क्योंकि ममता बनर्जी ने ये एक आदेश निकाला है जिसके अंतर्गत नवदुर्गा के समय वहां पर मूर्तियों के विसर्जन को समय से पूर्व विसर्जित किया जाए। ऐसा उन्होंने मुहर्रम के चलते किया है ताकि मुहर्रम का त्यौहार सही ढंग से मनाया जा सके और इसी बात का विरोध हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया है। उन्होंने कहा है कि जो कार्य मुहूर्त के अनुसार होता है वह मुहूर्त के अनुसार ही होगा, मात्र समय से पूर्व इसलिए किया जाए ताकि कोई दूसरा काम किया जाना है, इसका वे विरोध कर रहे हैं। अभी विगत दिन हम सब ने सुना है किस प्रकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सारे के सारे नियम कानून केवल और केवल हिंदू धर्म के विपरीत ला रहे हैं, हिंदू विरोधी कार्य ममता बनर्जी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अभी जब हम जानते हैं कि वर्ष भर में पश्चिम बंगाल के अंदर यदि कोई धूमधाम से मनने वाला पर्व है जिसे पूरे पश्चिम बंगाल के हर समाज जाति बंधु के लोग बड़े प्रेम और स्वातंत्र से मनाते हैं, वो पर्व है नवरात्रि का पर्व। उस नवरात्रि पर्व में ममता बनर्जी ने एक नियम लागू किया है, आदेश पारित किया है कि जो भी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा वो एक निश्चित समय में होगा। ममता बनर्जी शायद भूल गई हैं कि झांकियों के अलग अलग मुहूर्त होते हैं, अलग अलग समय पर दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन किया जाता है। ऐसा केवल वो एक धर्म को अपने प्रति आकर्षण करने के लिए ऐसा कार्य कर रही है। वो ममता बनर्जी को हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, यदि उन्होंने अपने हिंदू विरोधी कार्य बंद नहीं किए, भारत को तोड़ने का कार्य बंद नहीं किया, तो ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हिंदू जागरण मंच भारतवर्ष के जिले के कोने कोने में आंदोलन करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को होगी। केशव शर्मा, विभाग अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच। क्रिकेट प्रांगण में आज एक 51 गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। 51 गाय के बछड़े के जन्म के समय कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने उसको वहां पर जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए थी वे उपलब्ध कराई, सामान उपलब्ध कराया, खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई। इस दौरान जैसे ही जानकारी लगी कि एक गाय 51 हुई है या उसको प्रसव हुआ है, इस दौरान दो अन्य लोग भी पहुंच गए। अब मामला इस बात को लेकर था कि इस गाय का मालिक कौन है। तीनों अपना अपना हक जता रहे थे, हालांकि जब तक ये जानकारी लगी है तब तक ये सिद्ध नहीं हो सका कि इसका सही मालिक कौन है, लेकिन ये एक चर्चा का विषय तो बन ही गया। दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व आज से आरंभ हो गए। 11 दिन तक चलने वाले ये पर्युषण पर्व अनंत चतुर्दशी यानी 5 सितंबर तक चलेंगे और आज पंचमी के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस मौके पर सुबह से ही सभी जिनालयों में शांतिधारा अभिषेक के साथ पूजा अर्चना हुई और सभी मंदिरों में विधान और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी तारतम्य में विभिन्न मंदिरों में प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है। शाम को सभी मंदिरों में महाआरती के कार्यक्रम होंगे और उसके साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। मुनिसिद्धनाथ जिनालय में आज सुबह ही ऋषि पंचमी के मौके पर अभिषेक और शांति धारा का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गुरु गुरु सर्वानंद गुरु गुरु ये सुनते लोगे गुरु ज्ञान तंपर्यम अज्ञान के आरोग्यम
शासकीय महाविद्यालय राघोगढ़ में आज मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मदर टेरेसा के जीवन चरित्र पर अपने अपने विचारों के माध्यम से प्रकाश डाला और उन्हें और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। मुख्यमंत्री के गुना आगमन की आस में म्याना वासियों की एक आस फिर जाग गई है। आज से 10 साल पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना आए थे तब उन्होंने म्याना को नगर पंचायत का दर्जा देकर उन्हें उपकृत किया था। अब जब वे गुना आ रहे हैं एक बार फिर तब म्याना वासियों की फिर आस जगी है कि शायद मुख्यमंत्री अब कल मंच से एक घोषणा कर दें कि म्याना को शीघ्र तहसील बनाया जाएगा। मुंगौली के पूर्व शिक्षक परमार सिंह रघुवंशी की समस्याओं को लेकर सहरिया आदिवासी की कुछ महिलाओं ने आज से अनशन शुरू किया है और वे चाहती हैं कि शिक्षक की समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो जाए। ये अनशन पे जो बैठी क्या है अनशन पे ये मतलब आदिवासी महिलाएं हैं सहरिया महिलाएं यहाँ क्या इनके मोहल्ले में मैं अक्सर 4-5 साल से 6-7 साल से आता रहता हूँ। इनके बच्चे स्कूल जाएँ छोटा परिवार रहे और तमाम आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाएं बताता रहता हूँ। जब इनको पता चला कि मेरी मारपीट इस तरह से हो गई है तो ये मेरी मदद कर रही है। इस प्रकार से ये जो है पिछले दिन 4 बजे से ये अनशन पे हैं। ये महिलाएं जो है इन्हें केवल पानी पी के अनशन कर रही हैं और ये धरना जो है जब तक चलेगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। और यहाँ के सहरिया बस्ती के और भी लोग आ रहे हैं रैली निकाल के, माननीय पन्ना लाल जी, ममता मीना जी, गोपी लाल जी, सब विधायक के पास जाएंगी ताकि वो CM महोदय आ रहे हैं उनसे कुछ कह सकें और मुझे न्याय मिल सके, क्योंकि मुझे आदिम जाति कल्याण विभाग के स्टाफ ने बहुत पिटवाया है। और इसके बाद में जो है राजवीर सिंह गुर्जर TI साहब ने भी मुंगौली थाने में मुझे मारा है। उसके पीछे भी हमारे अधिकारी जुगल किशोर पारा सर जी की गलती है कि वो थाने पर गए और ये नहीं बताया कि हमारा वफादार कर्मचारी है, वरना पुलिस मुझे नहीं मारती। और इसके पहले जब 2.5 साल पहले मारपीट की है गुंडे बदमाशों ने मेरी, तब हमारे BL परमार अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने शिकायत पूछी थी क्या शिकायत है, तो मैंने कहा था बच्चे भूखे रहते हैं मुंगौली में। इसके बाद भी मैं पिटता रहा और उन्होंने कोई मना नहीं की और 5-6 लोग स्टाफ के लोग मुझे 2-3 साल परेशान किया है। ये मतलब जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक ये धरना हमको यहाँ पर चलना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमार सिंह रघुवंशी, आजकल मैं माध्यमिक विद्यालय पीलीघाटा में आ गया हूँ। कलेक्टर साहब ने पीलीघाटा कर दिया वरना वो लोग मुझे वहाँ मरवा भी सकते थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो दर्शकों ये थी हमारी आज की हलचलें। कल फिर कुछ और नई ताजा तरीन हलचलों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, लेकिन आइए चलने से पहले एक बार फिर नजर डालें आज की प्रमुख हलचलों पर। जिले के विभिन्न स्कूलों में मिल वाचे कार्यक्रम संपन्न। कलेक्टर राजेश जैन ने मातापुरा स्कूल में बच्चों के साथ किया परस्पर संवाद। बजरंगगढ़ मिडिल स्कूल में गुना विधायक पन्नालाल शाके ने और चाचौड़ा शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में विधायक ममता मीणा ने ली बच्चों की क्लास। पूछे बच्चों से सवाल। मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व जिला पुलिस ने किया पूर्वाभ्यास। कल मुख्यमंत्री के होने वाले कार्यक्रम के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए का पांडाल बनकर तैयार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समय से पूर्व मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के आदेश के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन। दिया प्रशासन को ज्ञापन। दिगंबर जैन समाज के 11 दिवसीय पर्यटन पर्व आज से शुरू। शहर के सभी जिनालयों में भक्तों की भारी भीड़। मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में शांति धारा के साथ संपन्न हुए पूजा और विधान। शाम को विभिन्न जिनालयों में होगी आरती और होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं। उकावर पतंजलि योग पीठ का 5 दिवसीय योग शिविर आज हुआ संपन्न।
साधकों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम का कराया गया संपूर्ण अभ्यास। कलेक्टर प्रांगण में 51 गाय ने दिया बछड़े को जन्म। प्रसव के दौरान मालिकाना हक जताने पहुंचे 3-3 मालिक। शिक्षक की समस्याओं के निराकरण के लिए आदिवासी महिलाएं बैठी अनशन पर। शासकीय महाविद्यालय रावगढ़ में मनाई गई मदर टेरेसा जयंती। छात्र छात्राओं ने मदर टेरेसा के ऊपर व्यक्त किए अपने अपने विचार। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही म्याना वासियों की फिर जगी तहसील बनाने की आस। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ही नगर पंचायत का दिया था गुना आगमन पर दर्जा। समान वेतन और समान कार्य की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी यूनियन जनता यूनियन द्वारा कल आयोजित किया जाएगा गुना में कन्वेंशन। राघोगढ़ में आयोजित विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल की बैठक में जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने नवीन दायित्वों की घोषणा। आइए आपको ले चलते हैं अब हमारे कार्यक्रम बिजनेस प्लस की दुनिया में। हमारे संवाददाता कैलाश कुशवाहा, कैमरामैन देवेन कुशवाहा, हरीश और पवन कुशवाहा के साथ।